कहिए कैसे हैं आप। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। ये गाना बहुत ही अच्छा, यकीनन आपको भी अच्छा लगता होगा। पर जब बात आती है विश्वास की, विश्वास को हम कितनी महत्ता देते हैं। आपको पता है कि दुनिया का सबसे आसान काम क्या है? सबसे आसान काम किसी का विश्वास खोना, और सबसे मुश्किल विश्वास पाना, और उससे भी मुश्किल विश्वास को बनाए रखना। पर पिछले कुछ दिनों में ऐसी कुछ एक दो इंसिडेंट्स हुए, तो मुझे लगा कि इसी बारे में आज टॉपिक यही लेके आपसे डिस्कस करती हूँ। हुआ क्या कि बात बहुत छोटी सी है, कुछ समय पहले रद्दी वाला आया, अखबारों की रद्दी जैसे होता है, जो घर का सामान होता है, वो दिया मैंने उसको। तो वो मेरे को क्या बोला कि मेरे पास छुट्टे नहीं है चेंज, तो मैं अभी करा के लाता हूँ। और वो चला गया वो वापस नहीं आया। बात पैसों की छोटी रकम की नहीं है, बात विश्वास की है। और ऐसे ही अभी थोड़े दिन पहले की ही बात है कि एक छोटा सा लड़का अगरबत्ती बेचने आया, कि नवरात्रे चल रहे थे जब, कि अगरबत्ती ले लीजिए। तो मैंने उसको बोला कि एक बार खोल के दिखा दो, पूरा पैकेट था बड़ा। तो कहता है कि एक पैकेट में 50 है। तो मुझे देखने से लगा नहीं, मैंने कहा खोल के देख लो। तो कहते नहीं, मैं तो हर दूसरे दिन आता हूँ, अगर आपको 1% भी लगे तो आप चेंज कर लेना। तो मैंने उस हिसाब से उसको पैसे दे दिए। और जब मैंने अंदर खोल के देखा तो उसमें सिर्फ 20 स्टिक्स थी अगरबत्ती। उसके बाद वो भी नहीं आया। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जो विश्वास होता है ना, ये बहुत छोटा सा शब्द होता है, पर मेरा उनके प्रति विश्वास हट गया। आज मैं यही बात सोच रही थी, और यही सोचते सोचते सुबह मैं प्लांट्स को पानी दे रही थी। इतने सूखे सूखे से कुमला आ गए थे, तेज धूप पड़ रही है। तो मैंने गेट के बाहर देखा कि ना, मैं 2-3 दिन से देख भी रही थी कि एक डॉगी है, मम्मी डॉगी, और उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं। तो घूमते रहते हैं, जैसे देखते रहते हैं, इधर उधर कुछ सूंघते से रहते हैं। तो एक दो बार तो कुछ दिन पहले मेरा मन हुआ था कि इनको दूध दूं, बेचारे इतने छोटे से हैं, कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे। फिर मन में ये भी आया कि मैं इनको दूध दूंगी, फिर ये यहीं पे आना शुरू कर देंगे, यहाँ पे गंदा करना शुरू कर देंगे। तो मैंने अपने आप को अवॉइड किया कि मैं नहीं दूंगी। पर आज पता नहीं किस सोच में थी मैं, क्या मन में आया, और मैं अंदर से जाके कटोरी ले आई दूध की भरी हुई, और मैंने गेट के बाहर रख दी। वो आए नहीं, वो खड़े रहे, डॉगी मतलब उसकी मम्मी और 3 छोटे छोटे से उनके पपीज, वो बाहर ही खड़े रहे, वो आए नहीं। फिर मैंने जब उनको कुछ कारा और ऐसे इशारा किया कि दूध रखा आ जाओ, तो फिर वो आए। पहले मदर आई, सबसे पहले मदर आई, और वो पीछे ना, मदर के पीछे जैसे होता है कि एकदम लाइन में खड़े हो गए। और मदर आई, और पहले तो उसने मेरे को ऐसे देखा ऐसे से गर्दन हिला गया, और फिर थोड़ी सी आगे आई, और फिर उसने अंदर मतलब दूध में थोड़ा सा उसको स्मेल किया, और फिर वो पीछे हट गई। स्मेल करते ही वो पीछे हट गई, और इतने में जैसे होता ना टूट पड़ो, तीनों बच्चे ना दूध पीने लगे, चुप 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 चुप, फटाफट फटाफट। और मैं ये देख रही थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतने छोटे से, बिल्कुल जैसे रुई के फाये होते हैं ना, बिल्कुल वैसे छोटे छोटे से डॉगीज। और मैं उनको बहुत ध्यान से देख रही थी कि किस तरह से पी रहे हैं, एक बूंद भी छलक नहीं रही कटोरी के बाहर से। और जब मैं देख रही थी, तो देखते देखते ना अचानक मेरा ध्यान उसकी मदर की तरफ चला गया। डॉगी वो मुझे देख रही थी, और वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे होते ना शक की निगाह से, कि इसका क्या मतलब है यार दूध पिलाने का, ये दूध क्यों पिला रही है। जैसे उसके मन में चल रहा हो कि कहीं ये मेरा बच्चा तो नहीं उठा लेगी। मेरे मन में ये चल रहा था, क्योंकि हम हो ही इतने अविश्वासी गए हैं, हम मतलब आदमी आदमी के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा। तो डॉगी डॉगी भी तो 10 बार सोचेगा ना कि इसका क्या ऑब्जेक्ट है, जब इतने दिन से दूध नहीं दिया, आज क्यों दे रही है ये दूध। तो वही जो मैं शुरू में बात कर रही थी ना आपसे, कि सबसे आसान काम क्या है किसी का विश्वास खोना, सबसे मुश्किल काम क्या है किसी का विश्वास पाना। तो ये तो चीज मैं 100% कहती हूँ कि इस डॉगी का तो मैं विश्वास जीत ही लूंगी, विश्वास बनाई लूंगी, और ये रोज आएंगे मेरे पास यहाँ पे दूध पीने के लिए। पर आप जरूर सोचिएगा इस बारे में कि हमें किसी का विश्वास तोड़ना चाहिए कि नहीं तोड़ना चाहिए। मुझे लगता है नहीं तोड़ना चाहिए। बात चाहे 10 रुपए की हो, 20 रुपए की हो, चाहे किसी के दिल टूटने की हो, विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए किसी का। तो कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक स्माइल भी रखिए, और पॉजिटिव रहिए, और पॉजिटिव सोचिए, और विश्वास के बारे में जरूर सोचिएगा। ठीक है।